कीबोर्ड की कुछ चीजें हैं, कीबोर्ड की कीज के बारे में आज हम बात करेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है, किस तरीके से हम अपना डेटा फीड करते हैं। ठीक है, देखिए एक डायग्राम बना हुआ है कीबोर्ड का, इसी तरीके से आपका कीबोर्ड बना होता है। ठीक है, सबसे पहली जो यहाँ पे की आ रही है ESC, इसको बोलते हैं एस्केप की। ठीक है, उसके बाद यहाँ F1 से लेकर F12 तक ये फंक्शन कीज कहलाती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये प्रिंट स्क्रीन, इसके थ्रू आप डायरेक्ट अपनी स्क्रीन को जो है इमेज बना के प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट की जाती है, इंसर्ट की जाती है, पॉज की है, ब्रेक है, उसके बाद यहाँ पे टेब है। करते हैं, देखें इस वक्त ये आपको जो कीबोर्ड दिखा रहा है ये कैपिटल में दिखा रहा है सारा। जब कैप्स लॉक ऑन होता है, ठीक है, तो ये कीबोर्ड आपका कैपिटल में लिखा जाएगा। जब ये कैप्स लॉक ऑफ होगा तो ये स्मॉल लेटर्स में टाइप किया जाएगा। ठीक है, या अगर आपने किसी एक वर्ड को, मिसाल के तौर पर जैसे ये कैप्स लिखा हुआ है, मैंने सी जो है वो कैपिटल करना है, बाकी सारे स्मॉल में ही हों, तो मैं क्या करूँगा, इस शिफ्ट की मदद से मैं सी प्रेस करूँगा, यानी कि शिफ्ट प्रेस करके सी प्रेस करूँगा तो ये कैपिटल आ जाएगा। अगर ये ऑलरेडी मेरा कैप्स लॉक ऑन है और ये सारे कैपिटल में आ रहे हैं, फिर अगर मैं शिफ्ट के साथ सी प्रेस करूंगा तो सी स्मॉल में आ जाएगा। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ हम उसके दूसरे जो है वो फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये एक लैपटॉप का कीबोर्ड भी है, क्योंकि लैपटॉप के कीबोर्ड में अलग से न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, लेकिन जो आपका नॉर्मल कीबोर्ड है उसमें अलग से न्यूमेरिक के कीपैड दिए होते हैं। यहाँ पर ये लैपटॉप का कीपैड दिखा रहा है कि इसमें नंबर भी इसी के अंदर लिखे हुए हैं, देखें ये 1 2 3, तो ये अलग तरीके से होना था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ये सिंबल्स दे रहे हैं, देखिए ये जो पर्पल लाइंस आ रही हैं ये सारे सिंबल्स कहलाते हैं, जिसमें ये लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, स्लेश, एट द रेट, हैश, इसके अलावा ब्रैकेट्स हैं चीज़ें। देखें एक बटन पे दो दो साइंस बने हुए हैं, ठीक है, एक बटन पे दो दो सिंबल बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं सिंपल आपने कॉमा प्रेस करना है तो आप कोई बटन दबाए, आप ये बटन प्रेस कर देंगे, कॉमा आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने फुल स्टॉप देना है तो आप इस बटन को प्रेस कर दें, फुल स्टॉप आ जाएगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ ये कॉमा वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये लेस देन का साइन आएगा। किसका साइन आएगा? लेस देन का। और अगर शिफ्ट के साथ फुल स्टॉप का बटन आप प्रेस करते हो तो कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन का। इसी तरीके से अगर आपने क्वेश्चन मार्क लाना है तो शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करेंगे, स्लैश वाले को, अगर बगैर शिफ्ट के प्रेस करेंगे तो ये सिंपल स्लैश आएगा। ठीक है, ये कहलाते हैं कॉलन एंड सेमी कॉलन। ठीक है, ये सिंबल्स भी आप थोड़ा सा सीखते जाए। ये जो डबल डॉट होते हैं इसको हम कॉलन कहते हैं, और जिसमें एक कॉमा और एक डॉट होता है ये सेमी कॉलन कहलाता है। अगर आपने सिंपल बटन प्रेस किया तो सेमी कॉलन आएगा, अगर शिफ्ट के साथ प्रेस किया तो कॉलन आएगा। और अक्सर जब आप एक्सेल में काम करने जाते हैं तो फार्मूले में ये कॉलन आपको बड़ा काम देता है। ठीक है, उसके बाद ये एट द रेट है, ये कॉमा है, हैश है, इस तरीके से ये बड़ी ब्रैकेट है, फिर दरमियानी ब्रैकेट है। यहाँ पे साइंस में देख लें आप, 1 है, 1 के ऊपर फिर अलग अलग सिंबल बने हुए हैं, कोटेशन है, डॉलर की साइन है, परसेंटेज है, पाई है, एंड की साइन है। अगर आप बगैर शिफ्ट के कोई बटन प्रेस करते हैं तो ये जो नीचे नुमेरिक आ रहा है यही आपका जो है आउटपुट आएगा। अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो ऊपर जो ये बने हुए हैं सिंबल्स ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिक कीपैड इसी के अंदर ही है, जो आपके पास कीबोर्ड है, जो पीसी का कीबोर्ड होता है उसमें न्यूमेरिक कीपैड अलग से होता है, उसमें एक की आती है नम लॉक की। अगर आप नम लॉक ऑन कर देते हैं तो वो आपके नंबर टाइप करेगा, अगर नम लॉक ऑन नहीं करते तो फिर आपकी स्क्रोल बार को वो चलाएगा। ये देखें यहाँ पे 4 कीज आ रही हैं, इनको हम कहते हैं एरो कीज। कौन सी कीज? एरो कीज है। ठीक है, इसके मदद से आप पेज में ऊपर नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर देखें, अगर लैपटॉप किसी के पास है, ये FN की की होती है, FN की की फंक्शन को कन्वर्ट करने पे होती है, कि आप किसी सिंपल की से कोई दूसरा काम लेना चाहते हैं तो FN प्रेस करके आप उससे ले सकते हैं। अक्सर हम FN से ये कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने अगर प्रिंट स्क्रीन करनी है, ठीक है, तो मैं पहले FN प्रेस करूंगा, FN के साथ में प्रिंट स्क्रीन,
को मैं प्रेस करूंगा तो मेरी स्क्रीन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये इंसर्ट की है, इंसर्ट की वो मैं Fn के साथ जो है प्रेस करूंगा तो इंसर्ट ही मेरे काम आएगी। इंसर्ट की प्रेस करने का मतलब ये होता है कि आपने जो डेटा टाइप किया हुआ है, जब आप इंसर्ट कर देते हैं तो उसके बाद जब आप डेटा टाइप करने लगते हैं तो आगे वाला डेटा ख़त्म होता जाता है और जो नया डेटा है वो उसके ऊपर इंसर्ट होता जाता है। ठीक है, शिफ्ट की का मैंने आपको बता दिया कि किसी भी बटन को जब आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं, अगर वो सिंबल का बटन है या न्यूमेरिक का बटन है तो जो ऊपर सिंबल दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, वो शिफ्ट के साथ आएगा, या अगर आपने स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर करके लिखना है तो वो भी शिफ्ट के साथ आएगा। कैप्स लॉक जब आप प्रेस करेंगे, आप कीबोर्ड में देखेंगे इस तरफ से तीन लाइटें लगी होती हैं, उसमें ए लिखा होगा, जब आप कैप्स लॉक प्रेस करेंगे तो वो जो ए वाली बत्ती होगी वो लाइट आपकी ऑन हो जाएगी, ये कीबोर्ड आपका कैप्स लॉक काम करेगा। ठीक है, जब आप कैप्स लॉक हटा देंगे तो वो लाइट आपकी ऑफ हो जाएगी, जब आप नम लॉक प्रेस करेंगे तो न्यूमेरिक कीपैड की बत्ती जो है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये आपके कीबोर्ड की कैप्स लॉक के टैब की क्या होती है, जैसे ये स्पेस बार है, स्पेस बार से हम एक करेक्टर आगे जाते हैं। ठीक है, एक लेटर या एक करेक्टर हम आगे जाते हैं, टैब के बटन से हम चार करेक्टर आगे जाते हैं। कितने करेक्टर आगे जाते हैं? चार करेक्टर आगे जाते हैं। अगर आपने मतलब कोई जुमला लिखा, आप चाहते हैं कि मैंने ये एक लफ्ज़ लिखा, उसके बाद मैं कुछ फासले पे जाके कुछ लिखूं, तो मैं टैब की मदद से जल्दी वहां पर वो फासला तय कर लेता हूं बजाय स्पेस दबाते रहने के। ठीक है, तो ये कुछ कीबोर्ड की इंफॉर्मेशन थी, ताकि आपको बता दें ये एक जो है वो की अलग है, एक अल्टर की आती है। ये अल्टर की बेसिकली जब आप किसी प्रोग्राम में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको वो फंक्शन दिखा रहा होता है कि अल्टर की के साथ अगर आप मिसाल के तौर पर आप फाइल मेन्यू में जाना चाहते हैं, आप अल्टर प्लस एफ करेंगे तो फाइल मेन्यू खुल जाएगी, इस तरीके से अल्टर प्लस एच करेंगे तो होम टैब खुल जाएगा। ये चीज़ें इस तरीके से अल्टरनेट के हिसाब से काम करती हैं। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? ये हमारे पास विंडो की कहलाती है, विंडो की जब प्रेस करते हैं तो वो जो स्टार्ट मेन्यू है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, काफ़ी है यहाँ तक। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये होम की है, बैक स्पेस है, बैक स्पेस मिटाने के काम आता है, पीछे करने के, आपने कोई डेटा टाइप किया हुआ है बैक स्पेस करते जाएंगे तो वो चीज़ें मिटती जाती जाएंगी। ठीक है, इंटर जो है वो लाइन चेंज करने के या फंक्शन को ओके करने के काम आता है, किसी भी फंक्शन पे जाके आपने अगर उसमें आपको अप्लाई करना है तो आप इंटर प्रेस कर देंगे वो फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, या अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं सिंपल तो आपकी लाइन ख़त्म हुई, आपने इंटर प्रेस किया तो आपका कर्सर दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। पेज अप, पेज डाउन, एंड की। पेज अप, पेज डाउन क्या होता है कि अगर आप एक्सेल की शीट में काम कर रहे हैं या आप जो है वो ज़्यादा पेजेस वाली डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, आपने जल्दी पेज अप करना है, आप नीचे की लाइन में खड़े हैं, आप लास्ट पेज में खड़े हुए हैं, आपने ऊपर जाना है, पेज अप की से आप ऊपर जा सकते हैं और पेज डाउन की से आप जल्दी जो है वो नीचे जा सकते हैं। एंड की क्या होती है कि आप टाइप कर रहे हैं, आपने ये एक जुमला टाइप किया कंप्यूटर कीबोर्ड, ठीक है, आपका कर्सर यहाँ पर खड़ा है, आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं, आपने यहीं से डायरेक्ट एंड की दबा दी तो आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा एंड पे, आप इसको यहाँ से फिर आगे शुरू कर सकते हैं। मतलब ये वो चीज़ें हैं कि आपको काम करने में थोड़ी सी आसानी दे देते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप जल्दी से उस काम को निपटाए। अब अगर यहाँ पे आपकी कर्सर खड़ा है, आप या तो एरो की मदद से जाएंगे एक एक करके, या आप डायरेक्ट एंड की प्रेस करेंगे तो ये लाइन के एंड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कीबोर्ड की इन्फॉर्मेशन थी कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता नहीं है कि यार ये कौन से बटन है। अब आगे और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, अब आपको पता चलता जाएगा कि कीबोर्ड के अंदर क्या सिंबल्स हैं, क्या कीज़ हैं, फंक्शन कीज़ क्या हैं। कुछ फंक्शन कीज़ मैं आपको बता दूंगा, कुछ जो है वो आगे फिर मज़ीद इसमें आएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये कीबोर्ड का टॉपिक था कि हम लिखना कैसे जाने। बेसिकली जब हम लिखने लगते हैं तो हमारी ये देखें ये जो चार उंगलियाँ हैं ना, ये यहाँ पर आती हैं, ए एस डी एफ लेफ्ट, और यहाँ पे J K L, और ये कॉलन पे हमारी आ जाती है राइट वाली, ये वाली। जब हम इस तरीके से उंगलियाँ लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी उंगली के ऊपर कौन सा लेटर है और कौन सी उंगली के नीचे कौन सा लेटर है। जब आप इस तरीके से टाइप करने बैठेंगे और अंगूठे से आप स्पेस बार प्रेस करेंगे
तो आपकी टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी और आप बगैर देखे जो है वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी।